ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भिवंडी पश्चिम विधानसभा सीट से खालिद गुड्डू शेख को चुनावी अखाड़े में उतारा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से दो बार नगर सेवक रह चुके खालिद गुड्डू ने राष्ट्रवादी को अलविदा कहकर एमआईएम में प्रवेश किया है। वैसे तो एमआईएम पार्टी का चुनाव चिन्ह पतंग है, लेकिन टेक्निकल कारणों के चलते खालिद गुड्डू को बैट निशानी मिली है, इसलिए एमआईएम की टिकट पर किस्मत आजमा रहे खालिद गुड्डू शेख बैट निशानी लेकर मैदान में उतरे है। एक पत्रकार परिषद में खालिद गुड्डू शेख ने कहा कि मेरी सीधी लड़ाई बीजेपी से है, कांग्रेस का अस्तित्व ही खतरे में है। 47 नगर सेवक वाली कांग्रेस पार्टी ने भिवंडी शहर की जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा है। भिवंडी में इस वक्त सबसे बड़ा एजेंडा, सबसे बड़ा मुद्दा है टोरेंट पावर कंपनी। टोरेंट पावर कंपनी की किसी भी राजनीतिक दल, जितनी भी पार्टी है, ना तो इनके अंदर उसके खिलाफ बोलने का दम है और ना उसके खिलाफ आंदोलन करने की। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है टोरेंट कंपनी का यहाँ से खात्मा। दूसरा, शहर का विकास। आज पूरा शहर जो है खड्डे के अंदर है, पूरा शहर खड्डे के अंदर, लोग सही से चल नहीं पा रहे हैं, लोगों को पीने के पानी की नहीं है, इलाज करने के लिए कोई अच्छा गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। जो सिटिंग आमदार थे उन्होंने 5 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि कुछ वो फेस कर सके, और कांग्रेस जो उम्मीदवार है उनको इस शहर में 47 कॉर्पोरेटर दिया। 47 कॉर्पोरेटर के साथ भी आज उन्होंने शहर में क्या किया, ये पूरे शहर की जनता, पूरे शहर की आवाम जानती है। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से, कांग्रेस तो पिक्चर में ही नहीं है क्योंकि उनके पास फेस नहीं है। वो फेस कैसे करेंगे जनता का? उनको जो जवाबदारी दी गई थी उन्होंने इस शहर में क्या किया? मेरी लड़ाई सिर्फ और बीजेपी से, बीजेपी के अलावा किसी पार्टी से नहीं। माइनॉरिटी वोट बिल्कुल बंटवारा नहीं होगा, पूरा शहर एक साथ में एक कैंडिडेट को चुनेगा और उनको पता है कि इस वक्त क्या करना है, ये कौन सा समय है, इस समय के हिसाब से वो बराबर एकत्र एक साथ में आएंगे और आने के बाद वो आने वाली 21 तारीख को बैट की निशानी की बटन दबाकर बड़ी ज्यादा से ज्यादा जो है मतों से उम्मीदवारी हमें कायम करके महाराष्ट्र की असेंबली में भेजेंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के वजह से वो निशान हमारा जरूर बदला है, मगर पार्टी हमारी एमआईएम है और मैं एमआईएम पार्टी का ही उम्मीदवार हूँ। भिवंडी पश्चिम की सीट पर बीजेपी के मौजूदा विधायक महेश चौगले, कांग्रेस से शोएब खान और एमआईएम से खालिद गुड्डू शेख, ये तीन दिग्गज उम्मीदवार एक दूसरे के सामने खड़े हैं, इसलिए ये मुकाबला त्रिकोणीय और काफी दिलचस्प होने की संभावना है। आकिब शेख, जी वार्ता न्यूज़।